इंटीग्रेशन का जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और ये आरपीएससी और सभी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, हमारे पास क्या क्या गिवन है, पी डैश एक्स इक्वल टू पी डैश वन माइनस एक्स, ये गिवन है। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जीरो वन एंड पी जीरो इक्वल टू वन, ये गिवन है। और पी वन इक्वल टू 41, ये भी गिवन है। यानी ये सारी चीज़ गिवन है। अब इसने कहा कि आप फाइंड करिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 पी एक्स डी एक्स, यानी इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, इसके आंसर ऑप्शन में होंगे तो आपको सोल्व तो करना ही पड़ेगा। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इससे, पी डैश एक्स इक्वल टू पी डैश वन माइनस एक्स। तो दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, पी डैश एक्स डी एक्स, पी डैश वन माइनस एक्स डी एक्स। अब पी डैश एक्स का इंटीग्रेशन पी एक्स होगा और पी डैश वन माइनस एक्स का इंटीग्रेशन पी वन माइनस एक्स, और वन माइनस एक्स का और करेंगे तो एक्स का जो माइनस वन आएगा वो इसके अपोन में जाएगा, तो ये माइनस फिर यहाँ आ जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट आएगा। अब यहाँ पर आप देखना, एक्स की जगह हमने जीरो पुट किया, तो पी जीरो इक्वल टू माइनस पी वन माइनस जीरो प्लस के, तो ये हो जाएगा पी वन, ये पी जीरो, तो पी जीरो की वैल्यू वन गिवन है हमारे पास ऑलरेडी, और पी वन की वैल्यू माइनस 41 गिवन है, प्लस के, तो इससे के की वैल्यू 42 आ गई है। अब इसने जो कहा कि आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लेट आई इक्वल टू जीरो टू वन पी एक्स डी एक्स, इक्वेशन नंबर वन मान लिया सपन ने। अब यहाँ मैंने पी फोर प्रॉपर्टी यूज की है, आपको पता होगा पी फोर प्रॉपर्टी क्या होती है, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यानी अपर लिमिट में से इस एक्स को माइनस कर लिया था, ये पी फोर प्रॉपर्टी है। यानी ये पी थ्री प्रॉपर्टी है, उसी की स्पेशल केस बना दिया है उसी का। तो ये आई और राइट, हम इन दोनों को प्लस कर ले, या मैंने कर दिया, देखो वन में से एक्स को माइनस कर दिया, तो ये एक नया इंटीग्रेंड बन गया। अब दो इंटीग्रेंड हो गए, आई इक्वल टू दिस एंड आई इक्वल टू दिस, हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग, तो आई प्लस आई टू आई, और इधर पी एक्स और पी वन माइनस एक्स को मैंने साथ में कर दिया, क्योंकि लिमिट सेम है इसलिए मैं साथ में ले सकता हूं, और एक ही बार इंटीग्रेशन और डी एक्स लगा दिया। अब ये टर्म अगर ध्यान से देखें, हमारे पास में यहाँ पर पी एक्स माइनस पी वन माइनस एक्स प्लस के, तो अगर आप इसको इधर शिफ्ट करें तो पी एक्स प्लस पी वन माइनस एक्स इक्वल टू के हो जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये पी एक्स प्लस पी वन माइनस एक्स की वैल्यू मैंने के लिख दी, ये यहाँ से ये टर्म इधर आएगी तो के आ जाएगा, के यहाँ पुट किया। अब मैंने के की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली यहाँ पर, तो ये के की वैल्यू मैंने 42 रख के बाहर कर लिया, और अब इसका मैंने इंटीग्रेशन किया एक्स के रेस्पेक्ट, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और ये वन माइनस जीरो अपर माइनस लोअर लिमिट, तो ये इससे हमारा 42 आ जाएगा, तो ये 2 डिवाइड में जाएगा ये 21। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए जाएंगे। सब कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं इसके अंदर, आप जो गिवन होता है उसको आप ध्यान से देख करके और फिर आगे बढ़ें, तो आपको ऑप्शन में ये आंसर मिलेगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है, इफ जी एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स कोस 40 डी टी, ध्यान रखें यहाँ एक्स यहाँ टी के रेस्पेक्ट है, देन फाइंड जी एक्स प्लस पाई, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और इसने ऑप्शन दे रखे हैं, इसका आंसर जी एक्स अपॉन जी एक्स प्लस पाई, जी एक्स प्लस जी पाई, जी एक्स माइनस जी पाई, और लास्ट है जी एक्स इंटू जी पाई। तो दोनों चारों में से कौन सा सही है, तो यहाँ आप देखो जी एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स कोस 40 डी टी, ये गिवन था। अब मैंने इसमें, क्योंकि हमारे जी एक्स प्लस पाई पूछा, तो मैंने एक्स में पाई प्लस कर दिया, तो ये दोनों वैल्यू एक्स की है, तो यहाँ पर भी जीरो प्लस एक्स प्लस पाई हो जाएगा, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस एक्स यानी कि ये एक्स बन जाएगा, और ये एक्स प्लस पाई हो जाएगा यहाँ पर, यानी उसके अंदर जो कुछ यहाँ है उसके अंदर ये प्लस कर रहे हैं हम, तो ये कोस 40 डी टी बन जाएगा। अब यहाँ जीरो टू एक्स, मैंने इसको क्या किया, जीरो टू एक्स कोस 40 प्लस एक्स टू
एक्स प्लस पाई जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहले इसको जीरो से एक्स लिया, क्योंकि ये एक्स से एक्स प्लस पाई था, तो मैंने पहले जीरो से एक्स और फिर एक्स को एक्स से एक्स प्लस पाई कर दिया। अब इस चीज को अगर ध्यान से देखें तो ये वाली जो टर्म थी वो आपके ऑलरेडी जी एक्स ही है, और उस केस में हमने इसको मैंने अलग यहाँ किया। अब यहाँ वापस आप अगर ध्यान से देखें तो ये एक्स से एक्स प्लस पाई था, तो आप इसको यूँ समझें कि जैसे 4 2 अगर 5 है तो आप इसको 4 2 यहाँ जो 5 प्लस, तो इसको आप मान लो या इसको 6 कर दें, तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो टुकड़ों में 4 प्लस 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0 to 2, दोनों एक ही बात है। तो उस केस में मैं यहाँ पे मैंने इसको 0 से पाई कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो अब कोस 40 का साइन 40 अपॉन 4, और फिर इसको लिमिट रखेंगे तो ये इस पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। मैंने इसको साइन पाई कर दिया, बात एक ही है, भले 0 करो, साइन 0 करो या साइन पाई करो, तो उस केस में ये सारे टर्म एज इट इज, और इसको मैंने जी पाई कर दिया, क्योंकि जी पाई की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हो इसके अंदर, ये जी पाई करोगे तो एक्स की जगह पाई किया, ठीक है, तो 0 to 2π, और फिर इसकी वैल्यू जो है ये हमने निकाल ली, 0 आ रही, तो इसलिए मैंने इसको जी पाई लिख दिया। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या हो जाएगा इसका, ये वाला जी एक्स माइनस जी पाई हो जाएगा, जी एक्स प्लस पाई की वैल्यू, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टी यूज की है, तो आप प्रॉपर्टी P0 to P7 तक की प्रॉपर्टी थोड़ा आप स्टडी कर लेना, ताकि आपको पता चल जाए कि मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ कहीं कन्फ्यूजन हो सकता है आपके, तो प्रॉपर्टी देख लेना, इसके मैंने प्रॉपर्टी यूज की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है I=0 to π x फंक्शन ऑफ sin x dx, यानी फंक्शन में साइन एक्स है और अब इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। तो इसके अंदर आप देखना, हम सबसे पहले, क्योंकि ये से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सोल्व पूरा करना पड़ता है, लेकिन 4 ऑप्शन गिवन होते हैं, तो उस केस में मैंने यहाँ सबसे पहले क्या किया, एक्स को पाई माइनस एक्स, एक्स को पाई माइनस एक्स, मतलब यूजिंग पाई P3 प्रॉपर्टी या P4 प्रॉपर्टी, दोनों एक ही बात है, P3 का स्पेशल केस है P4, तो मैंने यहाँ P4 प्रॉपर्टी यूज़ की, π - x, π - x, फिर इसको मैंने सोल्व कर लिया, तो ये I=0 to π π - x f sin x dx। अब यहाँ मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 and 2 बोथ आर एडिंग, देन 2i = i + i2i 0 to π एंड π - x + x, और ये f sin x जो है दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 0 to π π फंक्शन ऑफ sin x dx। अब 2 = 2, यहाँ मैंने 2 को ऑप्शन में सेंड कर दिया। अब यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन में इस तरीके के ऑप्शन भी होते हैं, लेकिन वहाँ 2 नहीं होगा, तो ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर, और उस केस में हमें इसको आगे और सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ क्या किया कि x की जगह मैंने π/2 - x = t लिख दिया, या यूँ कहें कि x = π/2 - t, क्योंकि उसके अंदर इस तरीके के भी उसमें साइन आ नहीं रहा, कोस आ रहा आंसर में, तो ऑप्शन में, तो उस केस में साइन को अपन कोस में बनाने के लिए मेरे को एक्स की जगह π/2 - θ या t यूज़ करना पड़ेगा, तो dx = -dt, और अब जो लिमिट है 0 to π ये भी कन्वर्ट कर लेंगे, x = 0 देन t = π/2 एंड x = π देन t = -π/2। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको तो I = - ये वाला माइनस dx की जगह dt पुट किया, तो माइनस आगे आ जाएगा π/2 एज इट इज, और उसके बाद में लिमिट π/2 to -π/2 हो जाएगी, फिर यहाँ साइन π/2 - t यानी कि कोस t। अब यहाँ आप देखें, मैंने इस माइनस को हटा करके प्लस कर दिया है, और उसके बाद में लिमिट को रिवर्स कर दिया, ये प्रॉपर्टी नंबर P2 है, उसको यूज़ किया मैंने यहाँ, तो लिमिट को अपन रिवर्स कर सकते हैं साइन चेंज करके, तो ये कर दिया। अब यहाँ पर माइनस π/2 to π/2 ये भी ऑप्शन में नहीं होता आंसर,
तो उस केस में हम यहाँ 0 to π/2 आंसर आ रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पर क्योंकि कोस जो है वो इवन फंक्शन है, तो मैं इसको लिमिट डबल करके और लिमिट को 0 to π/2 कर दूँ। तो मैंने यही किया, लिमिट 0 to π/2 डबल कर दिया, और उस केस में ये एज इट इज रहेगा, 2 से 2 कैंसिल, और ये इस तरीके से पाई 0 to π/2 एफ कोस टी डी टी। अब टी में जो फंक्शन था मैंने उसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पी जीरो प्रॉपर्टी यही कहती है कि अगर आपके पास में 0 to a है और एफ एक्स डी एक्स है, तो 0 to a करके आप एफ टी डी टी कर सकते हो। तो हमारे पास फाइनल आंसर इसका ये रहेगा। यहाँ क्योंकि इस तरीके का ऑप्शन होते हैं ऑप्शनल में सारे, तो हमें ये आंसर इसके अंदर हमें लाने थे, तो इस तरीके से हमें आंसर देख करके काम करना पड़ेगा।